नेपाल सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव ने मंगलवार को जनकपुर एवं सीमावर्ती रेलवे स्टेशन इनरवा का सड़क मार्ग से औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री रेणु कुमारी यादव ने कहा कि भारत नेपाल दोनों देशों के बीच वर्षों से बेटी रोटी का संबंध बना हुआ है। इसी वित्तीय वर्ष जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन परिचालन में अब विलंब नहीं होगा। काफी दिनों से ट्रेन परिचालन को लेकर उत्कुशता थी, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एवं कुछ टेक्निकल कठिनाइयों के कारण ट्रेन परिचालन पर असर पड़ रहा था। नेपाल भारत के साथ संबंध मजबूत था और रहेगा। नेपाल रेलवे से कर्मियों को हटाने पर उन्होंने कहा कि वैसे कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थे, 17 दिन की ट्रेनिंग के लिए कर्मी को भेजा जाएगा। भारत हमारे सिर्फ मित्र नहीं बल्कि हमारे संबंधी है, सीताराम के संबंधी है। ट्रेन परिचालन दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करेगा। कुछ तकनीकी कारणों से ट्रेन परिचालन में विलम्ब हो रही है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ट्रेन विलम्ब में क्यों, क्या कारण? ऐसा है कि अब कभी कभी ट्रेन काफ़ी दिनों से हम लोग का ये चलाने की इच्छा होते हुए भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी देश की हमारी स्थिति, कभी कोरोना, ये सब को फेस करते हुए थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन हम लोग अभी जो जिस दिन से हस्तांतरण हुआ है रेलवे का, ये उस दिन से हम लोग इधर भी, हमारे नेपाल में भी काफ़ी उत्सुकता के साथ हमारी नेपाल सरकार और हम लोग खुद लगे हुए हैं, और भारत सरकार का भी जो इच्छा है और उनकी जो सहयोग है, तो मुझे लग रहा है कि अब विलंब नहीं होगी, ये आगे बढ़ेगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, कभी चुनाव हो जाना, कभी प्रकृति का देन हो जाना, इसके कारण से भी हम लोग थोड़ा सा। क्या उम्मीद है इस वर्ष में चालू हो जाएगी? हमें उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि इस बार हम लोग ट्रेन चलाएंगे। इस बार नहीं मैम, इस साल। इस साल क्या आप मंत्री हैं रेलवे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस साल हम ट्रेन को चलाएंगे। और नेपाल और भारत की जो मित्रता है तो वो एक रेल भी हमारी पुल की काम करेगी। जब उधर के पैसेंजर हमारे ट्रेन पे चढ़ के इधर आएंगे और इधर के पैसेंजर चढ़ के जब उधर जाएंगे, तो उसे एक अनुभव होगा कि हम नेपाल और भारत के साथ काफ़ी कम समय में और अच्छी यात्रा करके आगे बढ़ेंगे कह के। इससे हम दोनों देशों का एक संबंध में भी लगता है बहुत बड़ी प्रगति होगी और ये आगे बढ़ेगा। हम लोग की एकदम प्रतिबद्धता है कि इस साल हम लोग ट्रेन चलाएंगे। ऐसा है, वो कर्मचारी को इसलिए नहीं हटाया गया है, तो रेल की जो हम लोग की कंसेप्ट थी, बहुत पहले कुछ कर्मचारियों का ट्रेनिंग भी हुआ था, तो तत्काल उसमें कुछ लोग ट्रेनिंग लिए हुए थे, कुछ लोग उसमें से कहीं दूसरे जगह सर्विस करने चले गए, क्योंकि काफ़ी लेट होने के चलते बहुत सारे लोग अवेलेबल भी नहीं थे। तो हम लोग ने उसे अभी तत्काल हटा के फिर उसमें जो कैपेबल लोग हैं और जो लोग कुछ बाहर से भी हम लोग रखेंगे, अब इसका कहाँ पर किस कर्मचारियों का उद्देश्य है कि कहाँ पर को सेटल होंगे, उनको फिर से एक बार मुझे लग रहा है कि ट्रेन देते। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।